वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी मॉन्स्टर 94। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे इस तरीके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ देर से पहले कुछ इस तरीके से वीडियो और फोटोग्राफी बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों को आ जाना है पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में आने के बाद हम लोग ओपन करेंगे, इसमें एडिट फ़ोटो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से हम लोगों को अपना एक एडिट वाला फ़ोटो जो करना है उसको ले लेना है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एड फ़ोटोज़ पे। यहाँ पर आने के बाद जो हम फोटो एडिट करेंगे वो ले लेंगे। गाइज मेरे में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, तो मैं सॉरी आप लोगों को फ़ोटो एडिट करके नहीं दिखा पाया। उसके बाद फ़ोटो जब एडिट हो गया उसके बाद आ जाना हम लोगों को लाइट रूम में। लाइट रूम आने के बाद जो हमने फ़ोटो लिया था उस जो बनाया था फ़ोटो उसको ले लेना है। फिर जब वो फ़ोटो ऐड हो जाएगा उसको ऐड करने के बाद हम लोग आएंगे लाइट रूम में एडिट करने के लिए। फिर उसके लिए हम लोग मारेंगे यहाँ पर और फिर हम लोग आ जाएंगे सीधे इफेक्ट मीन्स कलर में। पहले हम इसको ब्लैक एंड वाइट करके देखेंगे, तो नहीं अच्छा लग रहा तो फिर हम इसमें ऑरेंज कलर इसमें हल्का सा बढ़ाएंगे। उसके बाद डन कर देंगे। डन में करने के बाद इफ़ेक्ट्स में आएंगे। इफ़ेक्ट्स में जो टेक्सचर है इसको बिल्कुल माइनस में कर देंगे और क्लैरिटी बिल्कुल प्लस में 100 कर देंगे। और फिर इसको करने के बाद नॉइज़ को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे अपने हिसाब से। बहुत फास्ट एडिट कर दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया उसके लिए सॉरी, आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसको ऐसे करने के बाद हम लोग आ जाएंगे डिटेल्स में और करके सब कुछ सेव कर लेंगे फ़ोटो। यहाँ से फ़ोटो हम लोगों का बन चुका है। फिर अब हम लोग कर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना फ़ोटो किया सेव और ओके। फिर हम लोग करेंगे वीडियो एडिट। वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को आ जाना है बीटा ऐप में। जब हम लोग बीटा ऐप को हम अभी ओपन कर रहे हैं, बीटा ऐप में आने के बाद यहाँ से हम लोगों ने जो वीडियो शूट की थी वो वीडियो लेंगे। फिर हमने वो वीडियो ले ली है। फिर जब थोड़ा वीडियो लोडिंग में टाइम लेती है, बस ज़्यादा देर नहीं लेता है। फिर इसके बाद हम लोग वीडियो को अपना एडिट करेंगे। यहाँ से मैं देखूँगा कि कहाँ पर यहाँ पर कुछ सही लग रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ से ये लेयर इतनी हटाऊँगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रहा है बंदा, तो मैं इसको यहाँ से लेयर को हटाऊँगा। अब इसका पैर देखता हूँ, यहाँ से थोड़ा पैर आ जाने देते हैं। अब ये पैर में भी थोड़ा टाइम ले रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है। मुझको वीडियो 10 सेकेंड की बनानी है, तो ये इतना लिया, यहाँ से मैं इतना इसको काट दूँगा। मीन्स इसको इतना स्प्लिट करके या तो काट दिया मैंने। और इसको काट देने के बाद यहाँ से ये बंदा दो पोज कर रहा है। ये अब यहाँ से सेकंड पोज देखा तो मैं देखूँगा यहाँ पर भी कितना टाइम लगता है कितना नहीं। यहाँ पर ये कुछ ऐसा चल रहा था तो यहाँ से भी टाइम ले रहा था, 10 सेकंड की करनी थी तो मैंने इतना भी काट दिया। इतना काटने के बाद यहाँ से मैंने एक स्प्लिट और लिया ताकि वीडियो थोड़ा सही रहे। फिर यहाँ से काटने के बाद फिर हम लोगों ने जो फ़ोटो एडिट किया था फिर उस फ़ोटो को लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों की वीडियो हो चुकी थी रेडी। फिर यहाँ से फ़ोटो लगाया। हम लोगों को टोटल 15 सेकंड की वीडियो बनानी थी और हमने फ़ोटो को भी थोड़ा बढ़ा के अब यहाँ से इफ़ेक्ट में सिनेमैटिक्स में जाते हैं, बेसिक से जाके सिनेमैटिक लगाते हैं, इससे कि हमारी वीडियो में पीछे का ब्लर हो जाता है हल्का, तो वीडियो में कुछ अच्छा आने लगता है। यहाँ से ब्लर हो जाता है वीडियो में, और वीडियो में ब्लर यहाँ से अपना थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट पे करके ब्लर को मैं 70 रखूँगा तो ताकि थोड़ा सही लगे, ज़्यादा बोर भी ना लगे। इस वजह से सिनेमैटिक को मैंने इतना कर लिया, यहाँ से इतना हो गया। वीडियो को हाई क्वालिटी में मतलब 4K में वीडियो को सेव कर लूँगा। वीडियो सेव हो रही है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोगों की ये वीडियो भी डन होने के बाद अब हम लोग इसमें लगाएंगे अपने इफ़ेक्ट्स, जो कि शेकिंग इफेक्ट्स होते हैं। उसके लिए हम लोगों को आ जाना था VN ऐप में। VN ऐप यूज़ करने आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो हम लोगों ने जो ही वीडियो उसमें वीटा ऐप में की थी सॉरी, उसको ले लेना है। उसको ले जाने के बाद यहाँ पर 3 सेकेंड का तो ये आता है ब्लैक बैकग्राउंड इसको। फिर यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पर फ़ोटो आ रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें वीडियो अटकती बहुत है भाई, मीन्स इसमें थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग है इस ऐप का, पर बहुत अच्छा ऐप है। तो यहाँ से आया पर हम लोग इसको देखेंगे कहाँ से फ़ोटो आ रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि कहाँ से फ़ोटो स्टार्ट होगा। यहाँ से फ़ोटो स्टार्ट हुआ था तो हमने इसको यहाँ से स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग जाएँगे सीधा FX में, जहाँ से हम लोगों को लगेगा इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में जाने के पहले हम यहाँ पर लगाएंगे ब्लैक वाला इफ़ेक्ट, वो भी 1 सेकंड का, 1 सेकंड का लगाएंगे इफ़ेक्ट्स। और यहाँ पर थोड़ा स्प्लिट करके फ़ोटो में यहाँ पर स्प्लिट किया और फिर यहाँ पर लगाएंगे जिटल 3। इसमें इफ़ेक्ट लगेगा पहला, उसको फुल कर देंगे। दूसरे जाके यहाँ से लगाया हम लोगों ने दूसरा भी, और तीसरे का स्प्लिट करके हम लोग यहाँ से लगाएंगे ये वाला कुछ इफ़ेक्ट, इसका क्या नाम है, स्लाइड करके है कुछ ये। और फिर हम लोग इसको करेंगे थोड़ा बड़ा। हम लोगों ने उसमें लगा दिए हैं सारे इफ़ेक्ट्स और
उसमें गलत थोड़ा लग गया था इफेक्ट्स गाइस, और यहाँ पर ये लगाया वो दूसरा इफेक्ट था, ये तीसरा, सॉरी कुछ गलत हो गया। फिर वीडियो को हमने करते हैं 4K में, इसमें भी सेव, और वीडियो को इसमें थोड़ा MP बढ़ाकर सेव करेंगे ताकि वीडियो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो। तो गाइस जब तक ये वीडियो सेव हो रही है आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें, बने रहे हमारे चैनल के साथ। आई लव यू। आज वीडियो को करते हैं यहाँ से एंड। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं अपलोड करूँगा वो आप लोग बता दीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पर डालूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।